यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बजट सत्र से पहले हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक शिमला में होगी और साथ ही बैठक में बजट सत्र की शुरुआत में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इसके अलावा बैठक में कुछ विधेयकों को भी विधानसभा में पास करवाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल में सरकार बनने के बाद जयराम सरकार का ये पहला बजट है और बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल सरकार के बजट से पहले की कैबिनेट की बैठक आज है और अहम बैठक है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होगी और साथ ही हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार सत्ता में आने के बाद उसका ये पहला बजट है जयराम सरकार का और साथ ही जनता को बेहद उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, क्योंकि मौजूदा प्रदेश सरकार का पहला बजट है। और हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट की अहम बैठक आज शिमला में होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, जयराम सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होने वाला है, पहला बजट होगा, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, साथ ही किस तरह की और तैयारियां जो है बजट से पहले देखी जा रही हैं? जी हाँ, जयराम सरकार का ये पहला बजट होगा और जयराम सरकार के लिए खुद मुख्यमंत्री के तौर पे और वित्त मंत्री के तौर पे जयराम ठाकुर पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा अपार अपेक्षाएं जयराम सरकार से हैं। तो जहां जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का दबाव जयराम पे रहेगा, मुख्यमंत्री पे रहेगा, तो वहीं जनता से जो चुनाव में वादे किए थे उनको भी विधानसभा के पटल पे लाकर एक नई दिशा देने का भी एक जयराम सरकार के पास एक मौका भी होगा और चुनौती भी होगी। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री जयराम सरकार बनने के बाद अब जो पहला बजट पेश कर रहे हैं जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतर पाते हैं और जो प्रदेश का वित्तीय जो प्रबंधन है जो लगभग 4700 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रहा, उसको देखते हुए कैसा बजट बना पाते हैं ये बहुत देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रदेश में संसाधन कैसे जुटा पाएंगे, इनकम कैसी आएगी और जनता की उम्मीद और मांगों पर अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतर पाता है, ये तो सारी चीजें जयराम सरकार के लिए चुनौती रहेगी। बहरहाल अभी जो कल से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है इसमें 9 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद बजट में सरकार कैसे परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बजट है। हालांकि इससे पहले एक बजट सत्र धर्मशाला में हो चुका है, लेकिन अब जो बजट सत्र है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के तीखे तेवर होने वाले, तो ऐसे में बड़ी सारी चुनौतियां सरकार के पास है। नई सरकार है तो सरकार दिशा करती है। बजट हालांकि एक चुनौती भी जरूर है, लेकिन सरकार अपनी एक दिशा प्रदेश के लिए 5 साल की क्या रहेगी इसका भी खुलासा करने का मौका रहेगा। चलिए, बने रहिए आप फोनलाइन पर उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक आज है और साथ ही इससे पहले आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिससे पहले लोगों को कई उम्मीदें जो है इस बार के बजट से हैं।